सर्दियां स्टार्ट होते से एंड तक हमारे मील में बाजरा, ज्वार, मकई सब दादी माँ और नानी माँ के ज़माने से शामिल होते आए हैं। आजकल डाइटिशियन बोल रहे हैं मिलेट्स खाइए, मिलेट्स खाइए। जी हाँ, बाजरा एक मिलेट्स में ही काउंट किया जाता है। चलिए आज इसी के हम एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है और बड़े भी इसे इजीली खा सकते हैं। इसके लिए मैं एक कटोरी बंद गोभी, एक कटोरी गाजर, आधी कटोरी शिमला मिर्च चॉप्ड करके ले लूँगी। आप चाहें तो इसे ग्रेटेड भी कर सकते हैं। अब इनको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप किया है। अब मैं एक कटोरी अनियन लूँगी, इसे थोड़ा मोटा चॉप किया है ताकि ये थोड़ा क्रंची लगे। अब मैं हरी मिर्च भी चॉप करके डाल दूँगी, करीब 4-5 मैंने हरी मिर्चियाँ चॉप करके डाली हैं, और आधी कटोरी धनिया वो भी बारीक काट के डाल दूँगी। अब इन सब की क्वांटिटी टोटल 4 कटोरी वेजेस हो चुकी हैं। वेजेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं इसमें नमक और चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। अब मैं इसमें आधी कटोरी बाजरे का आटा डाल रही हूँ। ये रेसिपी में परफेक्ट रेशो और मेज़रमेंट मैं आपको दिखाऊँगी आगे। इससे क्या होगा कि अगर ये परफेक्ट रेशो से बनाए जाएंगे तो ये बहुत ही इजीली फ्लिप भी हो जाते हैं और अंदर से कच्चे कच्चे नहीं लगते। आप देखिएगा, मैं आगे आपको सारी मेज़रमेंट बताती जाऊँगी, पर वीडियो को आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। अब मैंने आधी कटोरी इसमें बाजरे का आटा डाल दिया है और हाथ से मिक्स कर दिया है। अब इसमें आधी कटोरी ही मैं पानी डालूँगी। अब इन सबको मिक्स कर दूँगी। देखिएगा, धीरे धीरे इसमें आटा मिक्स करना है, एकदम से आटा मिक्स नहीं करना है। अब इन सबको मिक्स करने के बाद मैं एक कटोरी और बाजरे का आटा ले रही हूँ और आधे कटोरी इसमें बाजरे का आटा डालूँगी और आधी कटोरी अभी रख दूँगी। इन सबको भी मिक्स करके दिखा रही हूँ मैं। फिर से मैं इसमें आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें आधी आधी कटोरी करके ही बाजरे का आटा मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स न पड़े और ये एक स्मूथ बैटर बन जाए। इस रेसिपी को बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। आप इन्हें लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। टोटल हम इसमें जितनी वेजेस हैं उसका आधा आटा, मतलब कि जितनी 4 कटोरी हमने वेजेस ली हैं तो इसमें 2 कटोरी बाजरे का आटा, 2 कटोरी ही पानी डालेंगे और इन्हें आधी आधी कटोरी करके मिक्स करेंगे, एकदम से मिक्स नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, वेजेस पानी छोड़ देती हैं तो थोड़ा आटा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब देखिएगा, मैं इसे मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, ये परफेक्ट बैटर बन चुका है। इतना बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वेजेस कवर हो जाएं, पर ओवर आटा भी नहीं लगे, नहीं तो आटा बहुत अंदर से कच्चा कच्चा सा लगता है बनने के बाद। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो पकौड़ों में हम यूज़ करते हैं घर में नॉर्मल, वो वाली बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। बेकिंग सोडा से ये होगा कि ये जो रेसिपी बनेगी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और इजीली फ्लिप हो जाएगी, जिससे बहुत जल्दी क्रिस्पी भी हो जाएंगे। आप आगे देखिएगा, मैं बना के दिखाऊंगी। अब इन्हें मिक्स कर दिया मैंने, अब इन्हें रेस्ट के लिए रख देती हूँ। दूसरी साइड मैंने एक 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस पे तवा रख दिया है। अब मैं इसमें घी डालूँगी। इस रेसिपी को घी में ही बनाइए, ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। अब घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, मैं इसमें 2 टेबल स्पून ये बैटर डाल दूँगी। इससे ज़्यादा ये बैटर न डालें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे लगेंगे और बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। और निफ स्प्रेड करने का तरीका ये है कि इसे कटोरी से स्प्रेड नहीं किया जा सकेगा, इन्हें एक स्पून या करछी से ऐसे इसको दबा दबा के प्रेस की करके हम इसे फैलाएंगे, और आप जितना फैलाएंगे ये पतला होता जाएगा। इस तरह से फैला दें, तब इसके ऊपर 1/2 टीस्पून हम वाइट तिल जो आते हैं वो डाल दूँगी। तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, बनने के बाद ये रेसिपी देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और इसे कवर करके रख देंगे। जब ये एक साइड से कवर करने के बाद सूख जाएं, तभी इन्हें फ्लिप कीजिए। अब देखिए, इजीली पलट जाते हैं, बहुत इजीली। अब पलटने के बाद दूसरी साइड घी लगा देंगे और इस तरह से दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन होने तक सेक लेंगे। जब ये पूरी तरह से सेक जाएंगे, तब हम इन्हें सर्व करेंगे हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ। ये बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है, इसे आप एक बार ज़रूर बना के देखिए।